स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे और सुबह 5 बजे दो अपने इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं करंट अफेयर के। सुबह 5 बजे वाला जो सेशन होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जिनको डायरेक्टली क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप लोग जो है 10 मिनट के अंदर उस सेशन को कवर कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हर चीज़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अगर आपके पास में दोस्तों दिन के 30 से 40 मिनट होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सुबह 8 बजे वाला सेशन परफेक्ट होता है, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट नॉलेज है जो कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 9th of December और आज के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले ये सारे एग्जाम है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस सेशन को रेगुलर जो है वो एक क्वार्टर के लिए देखना चाहिए। अगर आप एक क्वार्टर भी देखोगे तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि पिछले 3 महीने का आया हुआ हो या फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो। साथ में इस सेशन के अंदर आपको प्रीवियस डे के क्वेश्चन कवर करेंगे, कोड ऑफ द डे देखेंगे, सारे के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, एक फन फैक्ट, 5 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि थर्ड इंडिजीनियस सैटेलाइट इनसेट 2 सीरीज कौन से साल में लॉन्च हुई थी, तो ये आपके 1995 में इसको लॉन्च है जो कि किया गया था। नेक्स्ट था नई मंजिल स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करी गई, ये कौन से साल में करी गई थी, ये 2015 में करी गई थी। इसी प्रकार का मैंने पूछा था क्वेश्चन यू-2 के बारे में, किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो ये चैंग-4 के द्वारा इसको भेजा गया था। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये कौन से साल में साइन किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1944 में इसको साइन किया गया था। और पैनिक्स-21 जो कि मैंने आपको बताया था कि बिम्स्टेक कंट्री जो है उनके द्वारा एक्सरसाइज है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर एक्सरसाइज, जो कि पुणे में आयोजित करवाई जा रही है। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से कर सकते हैं, BHU-10 या Bhunesh-10 काम में लेके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के अंदर। और इस तरीके से इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करिए, आपका गोल 40+ एग्जाम में से कोई सा भी हो सकता है, है ना, चाहे तो UPSC हो सकता है, IIT हो सकता है, CDS हो सकता है, कोई भी। प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और यहाँ पे BHU-10 है जो कि आप लगा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास जो है वो शाम में 5 बजे जो कि आपको मिलेगी, शाम में 5 बजे, 4 या 5 बजे के आसपास है मेरे ख्याल से, आज शायद 4 बजे, एक बार चेक कर लेना। और ये GS का फाउंडेशन बैच है जो कि आपको SSC में मिलेगा, और एक बच्चे की एजुकेशन आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से पिज़्ज़ा की कॉस्ट पे जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं और वॉलंटियर भी बन सकते हैं अपने शहर के। और ये एनुअल प्राइस हाइक है जो कि आज से होने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। आज का कोड ऑफ द डे है दोस्तों, गो फॉर इट नाउ, द फ्यूचर इज प्रॉमिस्ड टू नो वन। तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। देखिए, जो भी आपको करना है, जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ के अंदर, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, उन सबको पूरा करने का यही टाइम होता है जब आप हार्डवर्क कर रहे होते हो, फोकस कर रहे होते हो अपने काम के ऊपर। फ्यूचर दोस्तों उस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी प्रॉमिस है जो कि नहीं कर सकता। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मतलब कि कल मैं रहूँ ना रहूँ, है ना, दुनिया में किसी के बारे में नहीं पता। कल हमने दोस्तों 2 दिन पहले हम लोग जो है हमारे विपिन रावत जी के बारे में पढ़ रहे थे, उनके बारे में देख रहे थे, और कल ही जो है वो इतनी बड़ी न्यूज़ आई कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो वही बात है कि आपको जो पसंद है, जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, अपने दिन को अच्छे से व्यतीत करो और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो, बिकॉज टाइम और फ्यूचर दोस्तों किसी को प्रॉमिस है जो कि नहीं करता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर आप द हिंदू का या कोई सा भी देश का न्यूज़पेपर देखोगे, इनफैक्ट पूरी दुनिया के दोस्तों कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो हमारे दोस्तों देश के फर्स्ट जो CDS रहे दोस्तों बिपिन रावत जी और 12 और उनके साथ में जो लोग, जिनमें उनकी वाइफ भी थी, एक तमिलनाडु के अंदर चॉपर क्रैश के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए दोस्तों एक बैड न्यूज़ थी, और इनफैक्ट हमारे देश के लिए तो मतलब सब बहुत ही ज़्यादा दुखद दिन है जो कि कल का था, जिसके अंदर हमारे देश के बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी है जो कि हमारे देश के CDS जनरल बिपिन रावत जी माने जाते थे। मतलब आर्मी के अंदर
देश की आज़ादी के बाद में काफ़ी बड़े बदलाव जो है वो लेके आने को लेकर ये काम कर रहे थे, इंटीग्रेटेड कमांड फोर्स बना रहे थे, CDS की पोजीशन लेना अपने आप में दोस्तों ऐसा माना जाता है किसी भी देश के अंदर जब कोई ऐसी पोजीशन होती है जो कि तीनों सेवाओं को जो है कंबाइंड रखती है, वो एक तरीके से बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं और कोई चैलेंजेस लेना नहीं चाहता इतनी बड़ी पोजीशन पर। तो वो काम जो है वो हमारे बिपिन रावत जी ने किया था। ओके, तो कल हुआ क्या एक्चुअली के अंदर, मैं आपको पूरा इसके बारे में इंसिडेंट बता देता हूँ कि एक्चुअली के अंदर हुआ क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इस तरीके से डिपिक्शन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट था जिसके अंदर CDS और उनके साथ में 12 लोग और पालम एयरबेस दिल्ली से जो है उन्होंने स्टार्ट करा था। उसके बाद में कोयम्बतूर के अंदर उन्होंने लैंड किया। कोयम्बतूर के अंदर फंक्शन अटेंड करने के बाद में वेलिंगटन उनको जाना था, वेलिंगटन है ना, और वेलिंगटन मतलब अपने छोटा सा एक आइलैंड है केरला के पास, केरला तमिलनाडु के वहाँ, तो वहाँ पे वो जाने वाले थे। इसी बीच में दोस्तों आधे घंटे बाद में जब 10 किलोमीटर दूर थे इससे, तभी सैलूर एयरबेस के अंदर मिसिंग जो है वो रिपोर्ट है जो कि आने लगी और हेलीकॉप्टर के क्रैश की न्यूज़ है जो कि पता लगी। जब इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों शाम में 6 बजे जो है वो कन्फर्म किया कि जनरल रावत साहब, उनकी वाइफ और 11 लोगों की दोस्तों इस क्रैश के अंदर मृत्यु हो गई है। ओके, अब यहाँ पे पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के दोस्तों जो बड़े बड़े लोग डिग्निटरीज थे उन सभी ने जो है इसके ऊपर खेल जताया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था दोस्तों जो कि क्रैश हो गया हैवली वुडेड एरिया के अंदर जो कि कुनूर घाट है, नीलगिरी वाले वेस्टर्न तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिखाया जा रहा है, तो इस वाले एरिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन वैसे स्टार्ट कर दी गई है। जो हेलीकॉप्टर था दोस्तों वो काफ़ी रिलायबल हेलीकॉप्टर था, M17V5 हेलीकॉप्टर है जो कि इसको कहते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड के लिए बहुत ही फेमस है और काफ़ी ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर से जो कि माने जाते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट है जो कि माने जाते हैं। मतलब इसके अंदर एक ही सर्वाइवर जो है हमारे जवान बच्चे हैं जो कि अभी हॉस्पिटलाइज है और उनका ट्रीटमेंट है जो कि वहाँ पर चल रहा है। विजिबिलिटी को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कंसर्न बताया गया था कि विजिबिलिटी लो थी। एक बहुत ही छोटा सा जॉर्ज था, खड्डा था, उसी के अंदर से दोस्तों क्लिफ वाले एरिया से इस हेलीकॉप्टर को जो है वो निकलना था। ओके, ये देखिए यहाँ पे वन ऑफ द सेफेस्ट कॉप्टर से जो कि इसको माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स का माना जाता है। रशिया के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था, रशियन मेड है ये MI-17V5, बहुत ही रिलायबल चॉपर है जो कि माना जाता है हाई एल्टीट्यूड वाले ऑपरेशन के अंदर, रेस्क्यू मिशन के अंदर, ये डिफेंस के द्वारा ही दोस्तों बताया गया था। और एक बहुत बड़ा वैक्यूम है दोस्तों जो कि टॉप लेवल के ऊपर बन चुका है बिपिन रावत जी के जाने के बाद में। इतनी बड़ी पोजीशन और हायरार्की के बारे में भी अभी कुछ कह नहीं सकते कि सेकंड पे कौन बनेगा, कौन इस जिम्मेदारी को लेगा। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो था वो भी अभी इनकम्प्लीट रह गया है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमारे CDS बने 2020 के अंदर। ओके, इसके अलावा 57 चेयरमैन थे चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के, उसके अलावा 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे दोस्तों 2016 से 2019, और अपने रिटायरमेंट से पहले ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोजीशन छोड़कर जो है ये CDS है जो कि बने थे। उससे पहले वाइफ चीफ थे 37 आर्मी स्टाफ के, और उत्तर प्रदेश के पौरी के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था बिपिन जी का। तमिलनाडु के अंदर मृत्यु हुई हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। और मधुलिका रावत जी दोस्तों ये खुद भी जो है वो ब्रिगेडियर थी है ना, और इनके भी जो है इसी क्रैश के अंदर मृत्यु हो गई। और नेशनल डिफेंस एकेडमी से BSc IIM से इन्होंने पास आउट हुए, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज MPhil किया, और मद्रास यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD किया। इसके अलावा गोरखा राइफल्स के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो है ये शामिल हुए थे। आप देख सकते हो परम वरिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति वरिष्ठ युद्ध सेवा सेना मेडल, वरिष्ठ सेवा मेडल, ये सारे के सारे मेडल है जो कि इनको आज तक अवार्ड है जो कि दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 27वें जब ये आर्मी चीफ बने थे हमारे 2016 के अंदर, 2020 के अंदर ये CDS बने थे, और आर्मी चीफ 3 साल के बाद में ही जो है ये रिटायर हो गए थे। हालांकि एज लिमिट जो CDS की रखी गई थी मतलब वो 65 ईयर है, तो अभी इनके कार्यकाल बाकी था, 2023 तक इनका बाकी था कार्यकाल है ना। हमने 65 ईयर है जो कि टेन्योर तक एज है जो कि CDS की रखी हुई है, कोई फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड है जो कि अभी CDS का हमने नहीं किया है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ये हेड थे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के, DMA के भी ये हेड थे ये, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दोस्तों MI-17V5 हेलीकॉप्टर, 250 किलोमीटर पर आर के इसकी स्पीड है, क्रूज स्पीड 230 किलोमीटर की है, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट देखिए 13,000 kg का वेट ले सकता है, पेलोड वेट 4,000 kg का ले सकता है ना, और 1100 किलोमीटर की इसकी फ्यूल टैंक एफिशिएंसी, तो काफ़ी ज़बरदस्त है जो कि कैपेसिटी वाले माने जाते हैं। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या देश में दोस्तों इस तरीके का इंसिडेंट पहले कभी हुआ है जहाँ पे हमारे देश के जो बड़े बड़े जो डिग्निटरीज हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, है ना, उनके साथ में इस तरीके का। तो दोस्तों ऐसा पहले भी हो चुका है 3 बार इंसिडेंट। 6 पर्सन की मृत्यु 1963 के हेलीकॉप्टर क्रैश में, 4 की 1997 में और 12 की 2010 के अंदर। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हमारे हाई रैंकिंग ऑफिसर जो है डिफेंस सर्विस के अंदर जो है उनकी एयर क्रैश के अंदर मृत्यु हो गई। 58 ईयर अगो 5 हमारे सीनियर ऑफिसर थे आर्मी और एयरफोर्स के, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ के अंदर उनका क्रैश हो गया था। इससे ये द हिंदू के द्वारा ये रिपोर्ट भी पब्लिश करी गई थी। उसके अलावा तवांग के अंदर भी हुआ था, है ना। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर 12 डिफेंस पर्सनल जो है उसमें हमारे आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ये सब लोग थे, उनके भी क्रैश के अंदर मृत्यु हो गई थी। तो ये इंसिडेंट पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी एक दो दिन के अंदर जो है वो DNA रिपोर्ट्स भी आ जाएगी कि उससे पहले कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, वो सारी जानकारी जो है वो कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो एक और इम्पॉर्टेंट फ्रंट पेज जो न्यूज़ थी वो थी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नोट मिल गई है कैन बेटवा के लिंक के प्रोजेक्ट को लेकर। यूनियन कैबिनेट ने दोस्तों वेनेसडे को अप्रूव किया फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। आपको मालूम है दोस्तों, देखो हमारे देश में दोस्तों रिवर की कोई कमी नहीं है, है ना, फिर भी हमारे देश में पानी की कमी है। इसका मेजर कारण क्या है कि जिस रिवर के अंदर पानी होता है वो सीधे के सीधे बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के अंदर है, जो कि चले जाती है और खाली हो जाती है। कई बार बारिश होती है तो भी ये रिवर में से बह के पानी चला जाता है, हम लोग इसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। सोचिए एक रिवर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और उसको दूसरी रिवर से इंटरलिंक कर दिया जाए जहाँ पर पानी कम है, तो कितना बेनिफिट है जो कि एक नदी से हम लोग पूरे एरिया को बेनिफिट है जो कि पहुंचा सकते हैं। बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट था, इतने सालों से दोस्तों पेंडिंग पड़ा हुआ है। फाइनली दोस्तों कई सारे रिवर को हमने इंटरलिंक करने के लिए बोला था, लेकिन अब जाके एक अप्रूवल है जो कि मिला है कैन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का, जो कि 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 39,000 करोड़ जो है वो सेंटर फंड करेगा ग्रांट के तौर पर, 3,000 करोड़ रुपये लोन के तौर पर इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ डैम है दोस्तों वो भी कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे। लोअर ऑफ प्रोजेक्ट है, कोथा बैराज है, बिन कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, दौधन डैम है, ये सब इसके ऊपर बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट से 10 लाख हेक्टेयर की लैंड को इरिगेट करने में मदद मिलेगी। 62 लाख लोगों को दोस्तों पानी की सप्लाई, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, ये सब है जो कि मिलने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में नियर बाय 8 साल है जो कि लगने वाले हैं, है ना। और जो बुंदेलखंड जो रीजन है दोस्तों वहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट है जो कि इस प्रोजेक्ट से मिलेगा, समझ गए। सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है इस रीजन के अंदर काफ़ी बेनिफिट है जो कि मिलेगा। कई सारे हर्डल है जो कि इस प्रोजेक्ट में रहे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पन्ना टाइगर रिजर्व वाला हैबिटेट वाला, ये सारे वाइल्ड लाइफ वाले कई सारे 2016 में इसको क्लियर किया गया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने फाइनली जो है वो एग्रीमेंट कंसेंसस, मतलब दोनों ने सहमति व्यक्त करी कि पानी का शेयरिंग कैसे होगा, समझ गए। ये फाइनली जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये इंटरलिंकिंग का ब्लूप्रिंट है, हमारे नॉर्दर्न स्टेट में सदर्न स्टेट में बहुत सारी रिवर को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर ही। आप देख सकते हैं 1919 के अंदर ये पहली बार आइडिया जो है ना इंटरलिंकिंग रिवर का, ये चीफ इंजीनियर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनका नाम था ऑर्थर, उनके द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1960 के अंदर चीफ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एनर्जी एंड इरिगेशन थे KL राव, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था कि गंगा और कावेरी को हम इंटरलिंक करेंगे, फिर वो वक्त भी निकल गया। फिर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1982 में इस काम को लेकर, वो वक्त भी निकल गया। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि भैया कुछ तो करो, इतने साल हो गए, 50 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, कभी तो इसके ऊपर काम करो। फाइनलाइज प्लान किया गया 2003 के अंदर, सोचिए 2003 के अंदर फाइनलाइज किया गया, फिर वक्त निकल गया और फाइनली 2016 के अंदर इसको एग्जीक्यूट करने की बात चली गई, फिर वो वक्त निकल गया। अब 2021 के अंदर जाके, मतलब हद होती है यार डिले करने की भी काम की, 100 साल कौन डिले करता है यार किसी भी काम प्रोजेक्ट को, मतलब। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि हमारे देश का माना जाता है। यकीन नहीं मानोगे, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना इंटरलिंकिंग का, तो हमारे देश में पानी की समस्या, इरीगेशन की समस्या, किसानों की समस्या, ओके, बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। टास्क फोर्स 2003 में बनाई गई, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गवर्नमेंट को बोला कि भाई बताओ स्टार्ट करो उस प्रोजेक्ट को। 2016 के अंदर कैन बेटवा प्रोजेक्ट के बारे में अप्रूवल मिला था, ये सेम अप्रूवल दोस्तों 2021 के अंदर फिर से जो है वो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना वो सेम चीज वापस से पढ़ रहे हैं, ठीक है।
चलिए तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत इसलिए करी गई थी कि देश में हम लोग चाहते हैं कि 37 रिवर जो है ना उसको लिंक करें, 3000 स्टोरेज डैम बनाए, नेटवर्क बनाए, और साउथ एशिया के एक वाटर ग्रिड है जो कि हम लोग बनाए। इसमें दो कंपोनेंट बनाए गए थे, एक तो हिमालयन कंपोनेंट और एक पेनिनसुला कंपोनेंट, समझ गए। अब देखिए हिमालयन कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इसमें जो ऊपर वाला एरिया ना हमारे नॉर्थ इंडिया वाला, जो यहाँ पे हिमालयन रिवर्स है, तो यहाँ पे 14 प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज करे गए थे, पाइपलाइन के अंदर थे। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ट्रिब्यूटरीज, इन सब के ऊपर स्टोरेज डैम का कंस्ट्रक्शन करना, गंगा यमुना को लिंक करना, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को राजस्थान हरियाणा गुजरात में जो भी ड्रॉट प्रॉन एरियाज है उन सबको जो है काफ़ी बेनिफिट है जो कि इससे मिलता है ना। तो एक तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी बेसिन हो गया, साबरमती चंबल रिवर बेसिन हो गया, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इन सबको इंटरलिंक करने की बात करी जाती है। अब इसमें और इसी प्रकार से सेकंड जो था वो पेनिनसुला रिवर था। पेनिनसुला समझते हो ना, जहाँ पे तीन जगह पे जो पानी होता है ना उसको पेनिनसुला कहते हैं हम लोग, समझ गए, प्रायद्वीप जिसको अपन लोग कहते हैं ना। तो हम लोग क्या है, पेनिनसुलर कंट्री है, तीन तरफ पानी है हमारे। यहाँ पे 16 रिवर थी दोस्तों जिनको प्रोजेक्ट किया गया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पन्ना, वैंगाई रिवर। इसमें पहले फेज में महानदी गोदावरी थी, कृष्णा कावेरी, फिर कैन टू बेटवा हो गया, तापी हो गया, ओके इस तरीके से वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, साबरमती और ये सब, इन सबको कनेक्ट करने की बात है जो कि करी गई। अब देखिए इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, किसी भी काम को करने के लिए चैलेंजेस जो है वो आते ही आते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 5-6 लाख करोड़ रुपए की आती है, लेकिन फंडिंग का कोई इश्यू है नहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि इस काम को लेकर पैसे देते हैं। सरकार की मंशा की जरूरत है, पैसा इसके अंदर कोई हर्डल नहीं है। वैसे एक जो हर्डल है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसको दोस्तों मैनेज करने के लिए सरकार को ज़मीन अक्वायर करना, उसके बाद में जो इन्वायरमेंट हैबिटेट बना हुआ है उसको रीशिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह पे डेवलप करना है ना, तो ये एक बहुत ज़रूरी था। इसके अंदर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है दो रिवर को अगर आप इंटरकनेक्ट करते हो तो आपको काफ़ी सारी लैंड चाहिए होती है और ये फॉरेस्ट लैंड होती है कई बार, तो इसका ऑप्शन निकालना बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके से ग्राउंड के थ्रू या किसी भी तरीके से जो है इसको मैनेज करके पानी को निकाला जाए। ओके हालांकि अगर कोई भी कैनाल अगर निकलती है तो मेरे को लगता है देखो कि कॉरिडोर बनाया जा सकता है फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स के लिए, है ना, ऊपर से कॉरिडोर्स बनाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे करते हैं। उससे क्या, देखो पानी अगर किसी भी जगह पे जा रहा होगा, कोई इंडस्ट्री तो बना नहीं रहे तो कि बहुत फॉरेस्ट ही खराब हो जाएगा, पानी जाएगा तो फॉरेस्ट को भी बेनिफिट होगा, ऑब्वियस बात है ना, लेकिन उसको इंटरलिंक करके एक एनिमल्स के लिए जो है वो पैसेज वे बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे दोस्तों फ्लड को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है वैसे, लेकिन इसके लिए प्रॉपर पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं। इंटर स्टेट डिस्प्यूट और इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल मतलब जैसे कि कई सारे रिवर के ऊपर है, इंडस रिवर सिस्टम में इतना है कि इतना पानी काम में लोगे का ये सब, लेकिन ये हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। इंटर स्टेट वाला जो है ये भी सेंटर अगर अपने लेवल के ऊपर इसको सही करवाए तो कर सकते हैं इजिली। बेनिफिट लेकिन इसके बहुत सारे हैं दोस्तों, एक्सेस वाटर को ट्रांसफर कर सकते हो, पानी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हो, हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, मानसून डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी, हम लोग फ्लड को मैनेज कर सकते हैं, ये काफी सारे बेनिफिट है जो कि देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 दोस्तों। यहां पे जो बात करी गई है वो पेपर के लिए खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल डिस्कशन है जो कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर है। ओके अभी जो न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर है दोस्तों IAS 2020 के अंदर, देखो क्या होता था, आपको एक बहुत ही बेसिक बात बताता हूँ। 1950 के अंदर एक एवरेज एज जो एक IAS ऑफिसर की बनने की हुआ करती थी वो 23 साल थी मात्र। अभी ये दोस्तों बढ़ते बढ़ते 2020 तक ये 27 साल एवरेज है जो कि हो चुका है, ये यहाँ पे बताया गया पिछले 70 सालों के अंदर, समझ गए। पहले दोस्तों स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के जो बच्चे थे वो बहुत ही कम थे, अभी ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का शेयर अगर आप देखोगे 1951 के बाद में 18% दोस्तों महिलाओं का शेयर है, 72% जो रिक्रूट हुए ना वो नॉन स्टेम बैकग्राउंड के हैं, यानी कि उनका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए मेरी बात। टोटल आज तक का टोटल 72% जो शेयर है वो नॉन स्टेम बैकग्राउंड के हैं। 2010 के अंदर ये दोस्तों रेशियो गिरता चला गया। तो यहाँ पे यही बताया गया है, देखिए एवरेज एज किस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है ना, तो इस तरीके से पहले तो 28 साल हो गया था, अभी थोड़ा सा गिर के जो है वापस से 27 साल होने में एवरेज है जो कि आ गया है। रीजनल डोमिनेशन की बात करें तो एक जमाना हुआ करता था जहाँ पे साउथ इंडिया दोस्तों डोमिनेट किया करता था यूपीएससी के अंदर,
अब वो पैरामीटर पूरी तरीके से बदल गया है। 30% शेयर दोस्तों नॉर्थ इंडिया ने ले लिया है, साउथ इंडिया का शेयर गिर के 24% पे आ गया है, वेस्ट का भी कम है और नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत ही कम है, मात्र 2%, ईस्ट इंडिया का भी 13% और सेंट्रल इंडिया का 21%। तो अगर मैं पूरे इंडिया की अगर मैं रीजनल डोमिनेशन की बात करूं तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया ने अभी डोमिनेशन है जो कि बना लिया। एक ज़माना हुआ करता था नॉर्थ इंडिया में भी बिहार जो है वो बहुत ऊपर था, है ना, लेकिन अभी वो डोमिनेशन जो है वो बिहार का भी खत्म हो गया, अभी राजस्थान का जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, है ना। इसके अलावा गैप्स की बात करें तो ये देखिए मेल का रेशियो कम हो गया है, फीमेल का थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता 31% जो कि अभी हो गया है। स्टेम की बात करें तो साइंस मैथ्स के एक ज़माने में दोस्तों ज़रूरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो नॉन स्टेम वाले बच्चे पहले 72% थे, लेकिन अभी अगर कुछ सालों के अंदर स्टेम वाले बच्चों का रेशियो है जो कि बढ़ गया है। मतलब तो ये दोस्तों पूरा आईएएस के अंदर ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके का पैरामीटर है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 के बारे में। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें दोस्तों तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि अभी लोकसभा के अंदर डिस्कशन किया गया, सॉरी राज्यसभा के अंदर, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, क्या नाम है भाई उनका जल्दी से बताइए, उनका जल्दी से बताइए क्या नाम है, नित्यानंद राय है ना, उनसे ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में पूछा गया था कि कौन सी जगह पे कितने केसेस हैं। तो 40% दोस्तों जो ह्यूमन राइट वायलेशन के जो केसेस देश में रजिस्टर करे गए हैं, है ना, NHRC के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, पिछले 3 सालों के अंदर वो 40% जो केसेस है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के हैं, ये यहाँ पे दोस्तों डाटा में बताया गया है। ओके गाइज, ये इन्फॉर्मेशन राज्यसभा के अंदर है जो कि दी गई है। ये क्वेश्चन DMK के जो MP है शनमुगम, उनके द्वारा क्वेश्चन किया गया था ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर, तो यहाँ पे उन्हीं के नित्यानंद राय के द्वारा ये जवाब है जो कि दिया गया है। ओके, टोटल नंबर ऑफ राइट्स के वायलेशन के जो केसेस है NHRC के द्वारा रजिस्टर करे गए वो 89,000 है 2018-19 में, फिर 76,000 19-20 में, 74,000 20-21 के अंदर, ठीक है, तो और 21-22 के अंदर 64,000 केसेस है जो कि अभी तक रजिस्टर हुए हैं। मैक्सिमम जो है वो दोस्तों यूपी से है केसेस, और ठीक है दिल्ली के भी यहाँ पे कैपिटल के भी बताए गए हैं, वो तो खैर काफ़ी कम है, 6,000 के आसपास ही है। तो एक ही स्टेट का यहाँ पे डाटा बताया गया जो कि यूपी का है। तो अगर पेपर में आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश इसके अंदर नंबर 1 के ऊपर है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर दोस्तों। पेज नंबर 11 की बात करें तो जर्मनी की आपको मालूम है एंजेला मार्केल के 16 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, और यहाँ पे दोस्तों अभी नए हेड है जो कि बने हैं, ओलेफ नाम से आप इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाले न्यूज़ इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बीजिंग गेम्स को पहले आपको मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि यूएसए ने दोस्तों क्या कर दिया है, डिप्लोमेटिक बायकॉट है जो कि यहाँ पे कर दिया है, याद है ना मैंने आपको कल बताया था यूएसए ने किया था। उसी को दोस्तों जोड़ते हुए उसी के अंदर कैनेडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी दोस्तों इसको ज्वाइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, कैनेडा ने भी ज्वाइन कर लिया है डिप्लोमेटिक बायकॉट को, और यूके ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब जो विंटर गेम्स ओलंपिक होने वाले हैं बीजिंग के अंदर, बीजिंग के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है कि जब इतने सारे देश एक साथ, अगर एक आदि करता तो चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिप्लोमेटिक बायकॉट इतने सारे कंट्री कर रहे हैं तो दोस्तों मतलब काफ़ी कंसर्न की बात है, और सबका एक ही बात है, सबका एक ही कहना है जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो कि कहाँ पर है मुस्लिम्स के ऊपर जो यूगर प्रोविंस के अंदर जो किया जा रहा है उसको लेकर ये बात है जो कि यहाँ पर बोली गई है, समझ गए। अब देखते आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से मतलब चाइना जो है वापस से फाइट बैक करेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस को लेकर, इंडियन एक्सप्रेस की अगर फ्रंट पेज की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे विपिन जावत जी के बारे में ही पूरा फ्रंट पेज है जो कि यहाँ पे बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी के बारे में चर्चा जरूर करी गई है अभी रिसेंटली, जो कि जस्टिस फॉर द जज ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, हमारे एक्स CGI के द्वारा, और अभी जो MP भी बने हुए राज्यसभा के रंजन गोगोई जी ने इस बायोग्राफी में बताया कि जब बाबरी मस्जिद वाला उन्होंने फैसला सुनाया था तो उसके साथ में अपने कलीग को लेकर ताज में गए थे डिनर करने के लिए, बेस्ट वाइन है वो ऑर्डर करी थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर बताई है, ठीक है गाइस। तो आयता वर्डिट के बाद में, तो आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइन कौन सी पी है, कौन से होटल में गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो बस ये ध्यान रखना है किताब का नाम क्या, जस्टिस फॉर द जज ये किताब का नाम है दोस्तों, ठीक है गाइज। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं जो कि है दोस्तों हमारे एक एप्पल कंपनी को लेकर। आप सभी को मालूम ही है दोस्तों दुनिया की टॉप 5 कंपनी में से एक है। आपको जान के हैरानी होगी, आपको मालूम है ना दुनिया में यूएसए हो गया, यूके हो गया, चाइना है ना, ये सब दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी से जर्मनी ओके, हम लोग जो है वो जीडीपी के अंदर 5वें नंबर के ऊपर आते हैं दुनिया में, और हमारा 2.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का जीडीपी है ना। आपको मालूम है ये हमारे देश की जीडीपी है टोटल। दोस्तों हमारे देश की जो जीडीपी है उसको सरपास जो कि एप्पल ने कर दिया है। सुन के बहुत ही अजीब बात है। एप्पल की जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कितनी 3 ट्रिलियन डॉलर है दोस्तों, जो कि पहुंच गई है। एक माइलस्टोन है जो कि उन्होंने अचीव कर लिया, और वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है दोस्तों जर्मनी, उसको टेक ओवर है जो कि ये कुछ टाइम के अंदर कर देगा। मतलब जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाला है। मतलब आप देख सकते हो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर जर्मनी है जो कि ये बन गई है। मतलब इंडिया के ऊपर जर्मनी के नीचे एप्पल है जो कि आ गई है, अगर हम उसको एक कंट्री के तौर पर अगर कंसिडर करें तो। अगर इससे पहले दोस्तों 3 ट्रिलियन डॉलर की जो कंपनी है वो कौन कौन सी है, एक तो अमेजॉन है, एक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फाबेट जिसको अपन गूगल कहते हैं, और एक टेस्ला। टेस्ला ने तो दोस्तों मतलब पिछले 2 से 3 साल के अंदर 3 से 4 गुना जंप किया है, समझ गए। एप्पल ने देखिए 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन 2018 में टच किया था। यानी कि अगर आप मान लीजिए 2018 में अगर मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे, तो अभी एप्पल 3 ट्रिलियन यानी कि उसके 3 लाख रुपए हैं जो कि 2021 के अंदर अभी हो गए हैं, क्योंकि डबल वैल्यूएशन है जो कि उसकी हो चुकी है पिछले 2 से 3 साल के अंदर, समझ गए। तो काफ़ी ये देखिए मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मतलब देश की दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया, मतलब इन कंपनी ने, अगर एक कंपनी और एक देश को मतलब जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला ने दोस्तों बहुत ही खतरनाक जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो वैल्यू जो है वो दिए। पिछले 5 सालों में देखिए 2600% मतलब 26,000% का ग्रोथ है जो कि देखने को मिला है टेस्ला के अंदर, समझ गए। मतलब टेस्ला अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये अगर लगाया होता 5 साल पहले अगर आपने टेस्ला कंपनी में, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा 2600% की ग्रोथ है जो कि आपको मिली थी, मिलती है मतलब आज के टाइम पे। ये देखिए कितने नीचे थे इसके शेयर, 61 डॉलर के ऊपर थे 2018 में, आज देखिए 1000 डॉलर के ऊपर पहुंच चुके हैं, यूएसडी डॉलर के ऊपर इसके शेयर ओके। बहुत इंटरेस्टिंग, आगे बात करते हैं। ऑफिशियली दोस्तों एक डाटा निकल के आया जिसमें लंदन के ट्रैफिक को दोस्तों वर्ल्ड का वर्स्ट ट्रैफिक है जो कि घोषित किया गया है ओके। आज को आपको मालूम है ना हम लोग दिल्ली मुंबई हमारे ट्रैफिक को गाली देते रहते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन हालांकि इंडिया की सिटीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब इसमें बताया नहीं गया है मतलब इसके अंदर, लेकिन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लंदन का जो है वर्स्ट ट्रैफिक है जो कि बताया गया है। पेंडेमिक से रिकवर होने के बाद में लंदन इमर्ज एज अ मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन एनालिटिक्स फर्म, जिसमें वर्स्ट लेवल ऑफ ट्रैफिक के बारे में बात करी गई। 1000 सेलेक्टेड सिटीज अक्रॉस 50 कंट्रीज के बारे में बात करी गई, जिसमें पेरिस, ब्रुसेल्स, मॉस्को, न्यूयॉर्क, ये सारे के सारे लिस्ट के अंदर भी है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है अपने जाम के अंदर जो है वो टाइम बिताते हैं, और इसके अंदर लंदन जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजेशन के अंदर है जो कि बताया गया है ओके। हालांकि इन्होंने बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों अपना ट्रैफिक सिस्टम को बिल्डअप कर रखा है, कैमराज लगा रखे हैं सब जगह पे, लेकिन बात वही एंड ऑफ द डे कि आपकी रोडें, आपका शहर तो खैर उतना ही रहेगा, गाड़ियां बढ़ेगी तो चलेगी कहाँ पे, तो कंजेशन तो होना ही होना है ना। तो ये धीरे धीरे ट्रैफिक है जो कि लौट के आ रहा है मतलब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो कि जनसत्ता के बारे में। तो जनसत्ता में अगर मैं फ्रंट पेज पे देखूं, देखो हिंदी न्यूज़पेपर जितने भी है ना उसमें सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है जो कि आपके पढ़ने के लिए, आपके एग्जाम के लिए जनसत्ता है। मैं एक्चुअली मैं जब बहुत तीनों चार आपके लिए है ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, TOI, ये चारों न्यूज़पेपर कवर कर लेता हूं, तब ये सारी न्यूज़ जो है ना जनसत्ता वाली वो ऑलरेडी इनमें कवर हो जाती है, इसलिए जनसत्ता की मैं कम न्यूज़ देता हूं। लेकिन अगर आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो दिस इज द बेस्ट न्यूज़पेपर जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस का ही ये हिंदी न्यूज़पेपर है जनसत्ता, है ना। इसी के अंदर ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि के बिरला फाउंडेशन ने लेखक असगर वजाहत को 2019 में प्रकाशित उनकी रचना महाबली के लिए व्यास सम्मान से दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, सम्मानित है जो कि किया है, समझ गए मेरी बात। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ही फेमस दोस्तों राइटर है जो कि माने जाते हैं साहित्य के, 31वां व्यास सम्मान है जो कि इनको यहां पे दिया गया है ओके। चलिए व्यास सम्मान जो है वो पिछले 10 सालों के दौरान हिंदी में प्रकाशित साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। और वजाहत जी दोस्तों लंबे अरसे तक दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी संग्रह ये सब है जो कि लिखी है ना। 2009
9-10 में भी हिंदी अकेडमी ने उनको श्रेष्ठ नाटककार का सम्मान है जो कि दिया था। देखिए हमारे देश में दोस्तों के बिरला फाउंडेशन जो है ना, ये हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है जो कि देता है लिटरेचर के अंदर। के बिरला फाउंडेशन 1991 में दोस्तों स्टैब्लिश किया गया था कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है? कृष्ण कुमार बिरला, दिल्ली के अंदर। मिशन क्या था कि लिटरेचर को दोस्तों बढ़ावा दिया जाए, स्पेशली हिंदी लिटरेचर को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, एजुकेशन में, सोशल वर्क में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। इसी के तर्ज पर दोस्तों सबसे पहले सरस्वती सम्मान आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर कितने 15 लाख रुपये का दोस्तों कैश प्राइज है जो कि मिलता है। और कोई भी जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी लिखता है ना, तो उसको सरस्वती सम्मान मिलता है। इंडियन लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया है, समझ गए? इंडियन क्राइटेरिया, जो हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है ना, उसके अंदर अगर कोई भी अच्छी राइटिंग करता है तो उसको सरस्वती सम्मान मिलता है। उसी प्रकार से सेकंड दोस्तों व्यास सम्मान, व्यास सम्मान मैंने आपको बताई दिया, इसमें दोस्तों प्राइज मिलता है 4 लाख रुपये का, और ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? हिंदी के लिए है। उसी प्रकार से एक और होता है बिहारी पुरस्कार। नाम सुन के आपको लगता है कि बिहार के लोगों को, बिहार के राइटर को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 लाख रुपए का क्रैश प्राइस है, और ये अगर कोई हिंदी के अंदर या राजस्थानी के अंदर अगर कोई लिखता है राजस्थानी के अंदर, तो ये अवार्ड है जो कि मिलता है। सिर्फ राजस्थान के ही दोस्तों राइटर इसके लिए एलिजिबल होते हैं, समझ गए? कन्फ्यूज मत होना। फिर एक और होता है दोस्तों शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार मिलता है जो फिलॉसफी में, कल्चर में कुछ अच्छा लिखता है, इसके अंदर कोई 1.5 लाख रुपये का प्राइस में नहीं मिलता है। उसी प्रकार से एक और होता है वैश्यपति पुरस्कार, वो मिलता है संस्कृत में लिखने के लिए। एक और होता है साइंटिफिक अवार्ड, जिसको बोलते हैं जेडी बिरला फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसमें भी 1.5 लाख का प्राइस मनी मिलता है अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कुछ काम कर रहे हो तो। समझ गए? व्यास सम्मान के बारे में मैंने आपको बताया दिया, 4 लाख रुपये का कैश प्राइस है, हिंदी लैंग्वेज, 10 साल के अंदर आपके आर्टिकल्स पब्लिश होने चाहिए। ओके, रिसेंटली मैंने आपको बताया दिया है 2019 में नरसिरा जी को, 20 में शरद जी को मिला था, 21 के अंदर मैंने आपको अभी बता दिया किसको मिला है, असगर जी को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं, जो है शी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम। तो डब्ल्यू, देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के द्वारा एक पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया गया, जिसका नाम है शी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम। गाइज एक बार वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि अभी आने वाली है कुछ दिनों के अंदर। नेक्स्ट मंडे से दोस्तों आप लोगों के लिए ग्रुप डी और साथ में आपका जो NTPC CBE 2 है उनके लिए मैं स्पेशल करंट अफेयर सेशन है जो कि लेके आने वाला हूँ। पिछले एक साल के मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, खैर अभी बाकी मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा, जो जो बच्चे जो है ये एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 30 वीडियोस है जो कि ऐसे दूंगा एक साल के करंट अफेयर के, जिसके अंदर पूरे एक साल का करंट अफेयर टॉपिक वाइज होगा, और उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन है जो कि होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, मैं एक साल के इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं दोस्तों स्पोर्ट्स के, है ना, करंट अफेयर, वो सारे एक वीडियो में, और साथ में दोस्तों उससे संबंधित 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक वीडियो। इसी तरीके से ब्रांड एम्बेसडर का एक वीडियो, गवर्नमेंट स्कीम का एक वीडियो, इसी प्रकार से कोविड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है उसका एक वीडियो, इसी प्रकार से ओलंपिक से संबंधित एक वीडियो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज एक वीडियो, ओके, हमारे बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुआ उनका एक वीडियो, ऑबिट्यूरी एक वीडियो। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको 30 वीडियोस की एक पूरा सीरीज बना के दूंगा, और उस वीडियो के बाहर करंट अफेयर का एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ गए मेरी बात? एक भी सवाल ना तो इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मुझे टाइम की ज़रूरत है, मैंने अभी तक यूट्यूब पर अनाउंसमेंट नहीं किया उसका, लेकिन मैं मंडे से जो है उसके बारे में उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, मंडे से जो है वो क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको बस ये करना है कि मैक्सिमम लोगों तक उसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। उसका कंटेंट मैं खुद जो है वो बैठ के बनाने वाला हूँ। हो सकता है कि एक टॉपिक के मुझे 2 वीडियो भी देने पड़े, क्योंकि मैं एक साल का पूरा एक टॉपिक का वीडियो बनाने वाला हूँ, एक का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये मैक्सिमम है जो कि हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद को जो है वो सारा का सारा कॉन्टेंट है जो कि बनाना है, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है जो कि अवेलेबल करवा दूंगा, समझ गए? और आई गारंटी यू उससे बेस्ट कंटेंट ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना किसी वीडियो में मिलेगा, ना किसी क्लास में मिलेगा, समझ गए?
तो बिंदास होके ट्रस्ट करके उसको दो तीन बार रिवाइज करके जाइएगा, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए और कंटिन्यू करेंगे उसको। एक बच्चा बोल रहा है सर आप बनाते हैं पर कंटिन्यू नहीं करते, मोहम्मद फैज। यार फैज देखो पिछले काफ़ी टाइम से वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं था, इसकी वजह से मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं 1 साल पहले अगर आपको करंट अफेयर करवाता तो वो काम नहीं आता आपके, क्योंकि वो एग्जाम की डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं था। अभी अनाउंसमेंट हो गया है तब जाके आपके लिए बेनिफिशियल है वो, समझ गए। और ये क्लास को कंटिन्यू करना ही करना है, सुबह 8 बजे वाली क्लास कंटिन्यू करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ से आप कोरिलेट कर पाओगे चीज़ों को जल्दी जल्दी, समझ गए। आपको करंट अफेयर रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से ही आपका रिविजन चलता रहेगा। ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है, अब आपका एग्जाम है तो करवाऊंगा ना करंट अफेयर। 18 में नहीं करवाया, 19 में नहीं करवाया, कब नहीं करवाया, 17 में नहीं करवाया, ठीक है, 20 21 में नहीं करवाया, 20 में नहीं करवाया था, 21 में भी नहीं करवाया था, क्योंकि एग्जाम की डेट का आता पता नहीं था, और करवाता तो कोई मतलब ही नहीं होता, बिन बात ही आपका भी टाइम वेस्ट होता मतलब। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो हाईलाइट के बारे में बात करें तो ये प्रोग्राम जो है दोस्तों किनके लिए लॉन्च किया गया है, जो महिलाएं पॉलिटिक्स में है ना उनके लिए दोस्तों लॉन्च किया गया है, शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम। ठीक है गाइस, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है कि कैसे आप रीजन वाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवाओगे, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, कैसे जनता का उद्धार करोगे महिलाएं पॉलिटिक्स में आके, उसका प्रोग्राम को और ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है ना। और रंभू फाल्गी यहाँ पे एक और है, रंभाऊ महालंगी प्रबोधनी, ये महाराष्ट्र के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है। और अभी जो चेयरपर्सन है NCW की, उनका नाम है रेखा शर्मा, उनके द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। NCW के बारे में बात करें, स्टैचुरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई। स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है कि सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाती है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ज़रूरत थी तो सरकार ने बनाई इसको, कोई आर्टिकल संवैधानिक पावर जो है इसके पास नहीं है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है इसको नहीं बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आर्टिकल नहीं है, समझ गया। ये स्टैचुरी बॉडी है, 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा, पहली चेयरपर्सन इसकी जयंती पटनायक थी। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 है जो कि रिसेंटली आई है दोस्तों, जिसके अंदर बताया गया है कि अफ्रीका के पास में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा दोस्तों आज भी मलेरिया का बर्डन है। 2019 में भी 94% वर्ल्ड के मलेरिया केसेस एंड डेथ जो है वो आपको अफ्रीका में ही देखने को मिल रहे थे, और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मतलब मलेरिया को टैकल करने के लिए काम करने की। कोविड की वजह से दोस्तों जो काम थे ना वो भी क्या हो गए, स्लो हो गए हैं मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जितने भी डार्क जोन है ना रेड में आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम केसेस और डेथ है जो कि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये देखिए युगांडा के अंदर सब जगह पे दोस्तों बताया गया है कितने सारी डेथ और कितने सारे केसेस। इंडिया के भी जो है हमारे साउथ ईस्ट एशिया जो है ना ये भी दोस्तों क्या है, डार्क जोन के अंदर ही है मलेरिया के अंदर, है ना। 2020 के अंदर 6.25 लाख लोगों की मलेरिया की वजह से मृत्यु हुई है, 12% इंक्रीमेंट है 2019 के कंपेयर में, और 47% 47,000 जो एडिशनल 69,000 की जो डेथ हुई है वो डिस्ट्रप्शन की वजह से हुई है, कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से। ओके, 24 करोड़ मलेरिया केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, 85 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज में 2020 के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा है मतलब 2019 के कंपेयर के अंदर। ठीक है गाइस, तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि पैरासाइट की वजह से होता है, ट्रांसमिट होता है, एक फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, उसके काटने की वजह से होता है। और डिजीज का बर्डन अगर आप देखोगे तो 21 करोड़ मलेरिया केसेस जो है देखने को मिले, जिसमें से 4.25 लोगों की दोस्तों 2015 में मृत्यु हो गई। और नेपाल के अंदर डिक्रीज हुए काफ़ी केसेस, बहुत जगह पे डिक्रीज हुए, आपको मालूम है श्रीलंका जो है ना उसने तो वो तो मलेरिया फ्री बन गया था अभी कुछ टाइम पहले। रीजन वाइज WHO का अफ्रीकन रीजन की बात करें तो 95% केसेस देखने को मिले यहाँ पे, 99 कंट्रीज जो है 29 कंट्रीज जो है वो रेस्पॉन्सिबल 96% दुनिया के केसेस के अंदर, जिसमें से अफ्रीका के कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया भी दोस्तों उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल है। हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर बारे में बात करूँ ना मैं, तो उसके अंदर 83% दोस्तों केसेस हमारे कंट्री के अंदर ही है। 2016 में श्रीलंका मलेरिया फ्री बन गया था। ठीक है, ये देखिए हमारे देश में भी 7.5 लाख केसेस है जो कि रिपोर्ट करे गए कुछ साल पहले, और चलिए ठीक है, और तो कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, प्लांट बेस्ड च्युइंगम जो है दोस्तों वो बनाई गई है जो कि ट्रैप करेगी कोरोना वायरस को, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मतलब ये।
एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइज, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपने आप च्युइंगम खाते होंगे ना। अभी क्या होगा कि प्लांट बेस्ड च्युइंगम बनाई गई है रिसर्चर के द्वारा, जो कि अगर आपके मान लीजिए माउथ में वायरस है, कोरोना वायरस है ना, तो क्या होगा वो उसको ट्रैप कर लेगा। ओके, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि ट्रैप करेगा और प्रिवेंट करेगा उसको ट्रांसमिशन से, मतलब इस तरीके का दोस्तों उसको बनाया गया च्युइंगम को, है ना। ये रिड्यूस करेगी वायरल लोड सलाइवा के अंदर, प्रिवेंट करेगी ट्रांसमिशन ऑफ वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। और अभी आपको मालूम है ना, बात करते हुए, खाते वक्त, है ना, छींकते वक्त जो है वो ट्रांसमिशन हो जाता है, मतलब ACE2 प्रोटीन के द्वारा ये गम, ये जो च्युइंगम है वो ट्रैप करती है वायरस को विथ ACE2 प्रोटीन। ओके चलिए, ठीक है ठीक है, और तो कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं रशियन ट्रूप्स ऑन यूक्रेन बॉर्डर। अभी दोस्तों रिसेंटली एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गई है कि अमेरिका और यूएसए के बीच, अमेरिका और रशिया के बीच में, कि जो यूक्रेन है ना उसकी बॉर्डर के ऊपर दोस्तों रशिया ने अपने ट्रूप्स है जो कि लगा दिए हैं, और पूरे दुनिया में चिंता हो गई कि रशिया जो है वो यूक्रेन को क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा। एक कोसो यहाँ पे एक्चुअली के अंदर यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रो रशियन है अभी राइट नाउ, तो रशिया ने अपने ट्रूप्स बिछा दिए हैं। अब यूएसए बोल रहा है कि अगर आपने इसके ऊपर अटैक किया तो हम और आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, क्योंकि अगर यूक्रेन के ऊपर कर लिया तो यूरोप के अंदर दोस्तों काफ़ी जो है वो इंट्रूड करने की कोशिश करेगा रशिया। तो रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सारी आर्मी जो है वो डिप्लॉय कर दी है। क्रीमिया के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी एनेक्सेशन है जो कि रशिया ने कर लिया था काफ़ी पहले। ये जो एरिया है ना, ये देखिए रशियन ऑक्यूपाइड एरिया क्रीमिया, ये भी यूक्रेन का ही पार्ट था लेकिन रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। ये देखिए चारों तरफ जो है इस तरीके से अपनी सेना है जो कि यूक्रेन के यहाँ पे लगा दी है। अब यूक्रेन एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से यूरोप में आने का गेटवे है, इसलिए चिंता की स्थिति है। यूएस के इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट की है कि रशिया ने इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा है अपकमिंग मंथ के अंदर यूक्रेन के ऊपर, और प्रीवियस एक्शन जो रशिया ने जो पहले कर रखे हैं, मतलब उससे उसको कोई हेजिटेशन भी नहीं है। 2014 के अंदर क्रीमिया पेनिनसुला जो है वो रशिया के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई यूरोपियन कंट्री को एनेक्स किया गया किसी दूसरे कंट्री के द्वारा। ये देखिए ये वाला एरिया जो इसने पहले एनेक्स कर लिया था, तो ये एक तरीके से गेटवे है दोस्तों यूरोप के द्वारा। ये देखिए सैटेलाइट इमेजेस, कितनी सारी आर्मी है, कितनी सारी शिप है जो कि इसने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है, मतलब यहाँ पे है ना। यूक्रेन सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिपब्लिक है रशिया के बाद में, सोवियत यूनियन के टाइम का जो इसका पार्ट है जो कि हुआ करता था यूक्रेन के अंदर। रशिया और यूक्रेन का जो है ना, ये जो सोवियत यूनियन से जो पार्ट कटे हुए हैं ना, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रशियन कल्चर का, कल्चर लिंग्विस्टिक स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो रशिया के साथ में काफ़ी बढ़िया ही है। ओके चलिए ठीक है, बाकी तो कुछ खास इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे को लेकर, जो कि दोस्तों कल है 10th of December को, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10th of December को, है ना। एक दोस्त की शादी पहले हुई थी ह्यूमन राइट्स डे के दिन, अब एक कल एक दोस्त और है उसकी भी शादी ह्यूमन राइट्स डे के दिन होने वाली है और उसके राइट्स जो है वो छिनने वाले हैं तो ऐसे याद करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है लोगों की एनिवर्सरी जब उनकी ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर क्या होती है शादी होती है। तो इस बार जो थीम रखी गई है वो है फ्री टू पार्टली फ्री। ओके तो यही है जो कि हाल उनके साथ में भी होने वाला है, फ्री टू पार्टली फ्री। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 दोस्तों रिपोर्ट रिलीज करी गई थी इस साल, जिसमें इंडिया के स्टेटस, ये थीम नहीं है सॉरी, ये इंडिया के स्टेटस के बारे में बताया गया था कि इंडिया का स्टेटस जो है हमारे दोस्तों वो फ्री टू पार्टली फ्री है जो कि कर दिया गया था। और यूएन की जनरल असेंबली ने दोस्तों 1948 के अंदर इसको अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, और बेसिक जो वैल्यूज होती है ह्यूमन राइट्स की वो देने की यहाँ पर इंडिविजुअल को बात करेगी। इस बार थीम रखी गई है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ये प्रमोट करता है दिवस इक्वालिटी, पीस, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ह्यूमन राइट्स होते क्या है दोस्तों, जब एक आम इंसान को दोस्तों रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, उसका स्टेटस, जब उसको ट्रीट किया जाता है तब उसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। आप एक सोचिए, आप एक कोई भी पर्सन जो, देखो दुनिया में सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग काम के वजह से लोगों को सेग्रीगेट करते हैं और उनको राइट्स उनके हिसाब से देते हैं, सबसे घटिया चीज़ है पहली बात तो ये। आज एक आईएएस ऑफिसर हो चाहे एक पियानो, जो भी ईमानदारी से काम कर रहा है उनको इक्वली जो है वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग स्टेटस देख के, गाड़ी देख के, लोग उसकी जॉब प्रोफाइल देख के उनको रेस्पेक्ट देते हैं, जो कि मेरे नज़र में सबसे घटिया चीज़ है। एक हर एक इंसान को एक इक्वली रेस्पेक्ट है जो कि डिजर्विंग होता है, समझ गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रेस्पेक्ट देने के बाद में भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे या फिर समझ ही नहीं रहे, तो भाई उनको अवॉइड करो, वो आपके लेवल के नहीं है, सिंपल सी कहानी है होती है ना। लेकिन 99.99% दोस्तों हर एक आदमी जो है वो इक्वल रेस्पेक्ट है जो कि डिजर्व करता है, इररिस्पेक्टिव वो कौन से कलर का है, कौन से देश का है, कौन से लैंग्वेज बोलता है, कौन से रिलीजन का है। ओके गाइज,
इसी के अंदर दोस्तों तभी एक वो इंसान है जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है के तौर पर जीता है, है ना। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब कभी आप यूरोपियन कंट्रीज जाओगे ना, मतलब फ्रांस जाओगे, यूके जाओगे, ऑस्ट्रिया, इटली, मतलब जो डेवलप कंट्रीज है उस वाले वहाँ पे कभी जाओगे आप, तो आप देखोगे कि वहाँ पे कि ड्राइवर को भी कितने अच्छी तरीके से जो है वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, मतलब है ना। वो चीज़ इनकलकेट करनी ज़रूरी है हमारे कंट्री में भी, हमारे कल्चर के अंदर भी। मैं क्या करता हूँ कि कहीं भी किसी भी कंट्री में जाता हूँ, वहाँ के कल्चर को जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ। लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कितने खुश रहते हैं, लोग है ना एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, ये मेरा बहुत ही प्राइम सब्जेक्ट होता है जब मैं किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी लोगों से बात कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, है ना। तो अगर आप देखोगे ना, जैसे बाली के अंदर अगर आप देखोगे, तो ये बाली जो है इंडोनेशिया, वहाँ पे भी आप देखोगे तो लोग बहुत अच्छी तरीके से, चाहे किसी भी काम, कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा हो, बहुत इक्वली बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, समझ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये ही एक क्या ह्यूमन राइट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया ह्यूमन राइट्स का, जिसके अंदर ये सब तो बाद में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और UDHR ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाता किसी भी कंट्री के ऊपर, ये बताता है कि आपको इस तरीके से जो है वो करना चाहिए काम। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कन्वेंशन है जो कि इसके ऊपर बना रखे हैं, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेकर है। हम लोग जो है वो इन सारे दोस्तों कन्वेंशन का क्या है दोस्तों, पार्टी है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ह्यूमन राइट काउंसिल भी बना रखी है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, 47 कंट्रीज इसके मेंबर है, ओके। 192 यूनियन मेंबर जो है वो हर 4 साल के अंदर रिव्यू है, जो कि इसके मैकेनिज्म को करते रहते हैं। इसका सेक्रेटरीट जो है वो ह्यूमन राइट काउंसिल का ही है। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको मालूम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम और हमारे जीवन के लिए, वो है फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी रखा है कि भैया पॉलिटिशियंस को कि आपको जो करना है करो, लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, जो हमारे संविधान का, वो यही है दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35, और साथ में रूल ऑफ लॉ, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, प्रीम्बल को चेंज नहीं करना है, है ना, हमारे संविधान सबसे ऊपर रहेगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ओके। तो इसके अंदर हमने दोस्तों हमारे सारे के सारे राइट थे जो कि डिफाइन कर रखे हैं। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है आर्टिकल 32 के माध्यम से, डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 226 के माध्यम से अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इसके बारे में बोला गया है दोस्तों। हमने भी दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन है जो कि सेटअप किया था, जिसके अंदर जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर जो एक्स जो CGI है, वो इसके कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। आगे बात करें, आज के दिन के इतिहास में कुछ खास नहीं है, इंडियन एयरफोर्स एक्ट है जो कि 1932 में आया था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों फन फैक्ट है जो कि आज आपके लिए लेके आया हूं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब World War I हो रही थी ना, तब दोस्तों 3 बड़े देश जो कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे उस जमाने में वर्ल्ड वॉर के अंदर, एक तो ब्रिटेन, किंग ऑफ ब्रिटेन, किंग ऑफ रशिया, ये तो रशिया के किंग थे, ये इंग्लैंड के किंग थे King George V, और ये जर्मनी के किंग थे कैजर। ये तीनों के तीनों दोस्तों कजन थे, ये ऑल 3 आर द फर्स्ट कजन। और जब दोस्तों कैजर से पूछा गया World War I के बारे में कि भाई सरकेस्टिकली कि भाई जर्मनी, आपको मालूम है उसमें भी कल्प्रिट जर्मनी था, तो उसने बोला कि अगर हमारी ग्रैंड मदर जिंदा होती आज तो ये हमें कभी भी अलाउ नहीं करती ये युद्ध करने को, और ये युद्ध कभी भी नहीं होता। वो बात कर रहे थे क्वीन विक्टोरिया की। मतलब सोचिए, 3 फर्स्ट कजन दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो कि करा चुके थे, लोगों का ईगो कितना बड़ा है। मतलब चलिए आगे बात करते हैं वोकैबुलरीज की। तो ये है पहला वोकैबुलरी आज का, इमुलेट। इमुलेट का मतलब अनुसरण करना, कॉपी करना। कंड्यूसिव का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन को पॉसिबल बनाना। एग्जॉर्ट का मतलब आग्रह करना, एनकरेज करना किसी चीज को। माया का मतलब होता है फंस जाना किसी चीज में। एम्ब्रॉयल, एंटेंगल बहुत अच्छा वर्ड है। टिंज का मतलब है झलक। कोवर्टेड का मतलब है जब आप डिजायर करते हो किसी चीज की, उसको बोलते हैं। ओके गाइज, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। BHU 10 या Bhunesh 10 यूज करना ना भूलिए। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एनुअल प्राइस हाइक होने वाली है जल्दी, मेरे ख्याल से शायद आज या कल हो जाएगी। तो आपको जो भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है ले लीजिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, गोल सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे SSC है, UPSC है, जो भी है, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ और BHU 10 आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है गाइज। एक बच्चे की एजुकेशन आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से पिज्जा की कॉस्ट पे दे सकते हैं उसको, smileforsociety.org की वेबसाइट पे जाके। आज का पहला इंपॉर्टेंट सवाल है NCW को लेकर, NCW की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सेकंड है 4.5 डेज का वीक जो है कौन से देश के द्वारा अनाउंस किया गया। आर्म्ड फोर्स ईयर कौन से ईयर में अफ्सपा जो है वो लागू किया गया। हाउ मेनी राइट्स मेंशन एज ए ह्यूमन राइट्स इन यूनाइटेड नेशन,
ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है गाइज, मिलते हैं वापस से 5 बजे शाम के 4 बजे वाली स्पेशल क्लास के अंदर, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।